हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के रिगिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रिवर्स फुटलॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिवर्स फुटलॉक एक्चुअली हम फुट के जो कंट्रोल्स है उन्हें क्रिएट करने के लिए करते हैं, एंड ये डिपेंड करता है रिगर टू रिगर कि वो कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। आप रिवर्स फुटलॉक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम पिवोट की पोजिशंस को प्रॉपरली सेट कर लेते हैं तो भी हम यहाँ पर फुट कंट्रोल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली पिवोट्स की पोजीशन को सेट किया हुआ है, एंड उनके हिसाब से यहाँ पे हमने फुट की जो पोजीशंस है उन्हें सेट किया है। लेकिन जो सेकंड मेथड होता है उस मेथड में हम एक रिवर्स जॉइंट चेन ड्रॉ करते हैं और आईकेस की हेल्प से उस जॉइंट चेन को हम कंट्रोल करते हैं। सो वही देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, चेन को मैं डोंट सेव करता हूँ, एंड साइड व्यू में आके मैं एक जॉइंट चेन ड्रॉ कर लेता हूँ। लिंक के मेन्यू सेट में आ जाएंगे हम, एंड यहाँ पर स्केलेटन है, एंड स्केलेटन में आके मैं क्रिएट जॉइंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक लेग का जॉइंट चेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड इस जॉइंट चेन को मैं रीनेम कर लेता हूँ सबसे पहले तो। सो ये हमारा जॉइंट रहेगा थाई का, सेकेंड जो जॉइंट है हमारा हायरार्की में ये नी है, थर्ड वन एंकल, फोर्थ जो जॉइंट है वो है हमारा बॉल जॉइंट, एंड लास्ट वन ये रहेगा हमारा टो। ओके, सो हमने यहाँ पे जॉइंट चेन को रीनेम कर लिया है, और जॉइंट चेन को रीनेम करने के बाद यहाँ पे हमें आइक हैंडल्स लगेंगे जो इन्हें कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला आइक हैंडल तो हमें ऑब्वियसली लेग फुट के मोशन को कंट्रोल करने के लिए लगेगा। तो मैं यहाँ पर स्केलेटन में आ रहा हूँ, आइक हैंडल्स में आ रहा हूँ, और इसको मैं रिसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर रोटेट पेन कर लेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर नी का जो मोशन है उसे भी सेट करना है। सो यहाँ पर हमने आइक हैंडल ड्रॉ कर लिया है जो थाई से लेकर एंकल तक है, और यहाँ पर अगर हमें नी के पोजीशन को कंट्रोल करना है तो हमें एक पोल वेक्टर क्रिएट कर लेना होगा। दैट मींस वो जो पोल वेक्टर है इन पोल वेक्टर की वैल्यूज़ को कंट्रोल करेगा और यहाँ पर हमें नी का मोशन मिलेगा। और जब आप पोल वेक्टर क्रिएट करते हैं ना तो मेक श्योर कि सेम प्लेन पर रहे इस जॉइंट के। अगर हम उसका प्लेन चेंज कर देते हैं तो जॉइंट्स पर रोटेशनल वैल्यूज आती है। बाय डिफॉल्ट जॉइंट पर कोई भी रोटेशनल वैल्यू नहीं होती है, जो वैल्यूज़ जॉइंट पर होती है वो वैल्यूज़ होती है ट्रांसलेट में, और ये वैल्यूज़ डिफाइन करती है कि जॉइंट, ये जो वैल्यूज़ है ये डिफाइन कर रही है कि जॉइंट की जो पोजीशन है ग्रेड ज़ीरो से वो कहाँ पर रहेगी। सो अगर इन वैल्यूज़ को मैं ज़ीरो कर दूँ तो एक्जैक्टली ग्रेड के ज़ीरो पे हमारा ये जॉइंट आके प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो रोटेशन में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम आइक हैंडल मूव करते हैं तो हमारा जो जॉइंट है वो रोटेट होता है। सो मेक श्योर कि आपकी जो रोटेशनल वैल्यूज़ है वो यहाँ पर ज़ीरो रहे जॉइंट पर, एंड ट्रांसलेट में ऑब्वियसली हमें वैल्यूज़ एक्सपेक्ट रहेगी। जो हमारा फर्स्ट रूट जॉइंट होता है उस पर एक्स वाई जेड में हमें वैल्यूज़ मिल सकती है। जो हमारा सेकंड जॉइंट है उस जॉइंट चेन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस में वैल्यू मिले, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये डिफाइन कर रहा है कि इस जॉइंट का, ये जो ऊपर का जॉइंट है इसके साथ पोजिशन क्या है। अगर मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पर स्नैप कर दूँ तो आपको पता चलेगा कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सो ये जो जॉइंट है इसका पोजिशन डिफाइन हो रहा है इस जॉइंट से, और रूट जॉइंट का जो पोजीशन है वो डिफाइन हो रहा है ग्रिड जीरो से। तो मेक श्योर कि यहाँ पे कोई रोटेशनल वैल्यू नहीं है, ट्रांसलेट में हमें ऑब्वियसली वैल्यूज एक्सपेक्टेड है, और जो रूट जॉइंट जो हमारे चाइल्ड जॉइंट्स है उनमें सिर्फ रोटेट एक्स में हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी एक्सिस है जिसे हम ट्विस्टिंग एक्सिस भी कहते हैं। यहाँ पे मुझे रिवर्स फुटलॉक भी ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे दो आईकेज और ड्रॉ कर लेता हूँ। एक रहेगा हमारा एंकल से लेकर यहाँ पे बॉल तक, एंड बॉल से लेकर रहेगा हमारा एक आई के टो तक। सो वापस एक बार मैं एक हैंडल में आ रहा हूँ, और यहाँ पे हमें कोई पोल वेक्टर कंट्रोल नहीं करना है, तो मैं यहाँ से इसको सिंगल चेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंगल चेन पे पोल वेक्टर कंट्रोल्स नहीं होते, और एक और आई के हैंडल में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। सो हमने यहाँ पे तीन आई के हैंडल्स ड्रॉ कर लिए। अब ये तीन आई के हैंडल्स ड्रॉ करने के बाद मुझे एक जॉइंट चेन लगेगा जो इन आई केस को कंट्रोल करेगा। सो मैं वापस एक बार साइड व्यू में आ रहा हूँ, एंड यहाँ से स्केलेटन में आके हम जॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। यूजुअली मैं यहाँ पे स्नैप करते हुए जॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं उसे स्लाइटली नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये आसानी से समझ जाएगा। तो हमने एक जॉइंट हील पे लिया है, एक जॉइंट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा टो है उसके लिए, एक जॉइंट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे बॉल के लिए, और एक जॉइंट हम क्रिएट करेंगे एंकल के लिए। ओके, सो हमने जॉइंट चेन क्रिएट कर लिया। इस जॉइंट चेन को भी मैं रीनेम कर लेता हूँ, ये मेरा हिल
अंडरस्कोर रिवर्स लॉक। ओके, उसके बाद का जो जॉइंट है वो रहेगा हमारा टो अंडरस्कोर रिवर्स लॉक। ओके, उसके बाद का जो जॉइंट है हमारा वो रहेगा बॉल अंडरस्कोर रिवर्स लॉक। ओके, एंड लास्ट जो जॉइंट है वो जॉइंट रहेगा हमारा एंकल अंडरस्कोर रिवर्स लॉक। ओके, सो हमने इन्हें रिनेम कर लिया है एंड इन्हें हमने प्लेस कर लिया, तो एक रिवर्स जॉइंट चेन हमने ड्रॉ कर लिया और ये रिवर्स जॉइंट चेन अब हमारे इन आईकेस को कंट्रोल करेगा। सो आईकेस को कंट्रोल करने के लिए पहले मैं आईके को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रिवर्स लॉक को सिलेक्ट कर रहा हूँ जॉइंट को। ओके, और जो मैंने आईके सिलेक्ट किया है वो आईके है हमारा टो वाला, और जो जॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो है रिवर्स टो जॉइंट। ओके, और ऑब्वियसली पहले हमने चाइल्ड सिलेक्ट किया, फिर हमने पेरेंट सिलेक्ट किया, और मैं कीबोर्ड पर पी प्रेस कर देता हूँ, तो ये जो जॉइंट है अब ये जॉइंट हमारा यहाँ पर इस जॉइंट के साथ पेरेंट हो गया। अब जो सेकंड आईके है उस आईके को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको उसके रिवर्स जॉइंट के साथ सिलेक्ट करके पेरेंट कर देंगे, और जो लास्ट आईके है एंकल पे उस आईके को हम सिलेक्ट करेंगे और एंकल का जो लास्ट जॉइंट है उसके साथ पेरेंट कर देंगे। सो अब होगा क्या, जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो ये हमें जो हिल का मोशन है वो दे रहा है, और जब मैं इसको हायरार्की में ऊपर या नीचे करूँगा तो हमें रोटेशंस में यहाँ पे ये जो हमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा एंकल भी कंट्रोल हो रहा है, टो भी कंट्रोल हो रहा है और हील भी कंट्रोल हो रही है। लेकिन एनिमेटर्स जो है वो जॉइंट को पकड़ के तो इन्हें एनिमेट नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट देना होगा और उस कंट्रोल ऑब्जेक्ट पे हमें कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेना होगा। सो मैं यहाँ पे क्विकली क्रिएट में आ जाता हूँ, नर्व्स प्रिमिटिव्स में आके एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, उस सर्कल को मैं यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ क्विकली, और इसको मैं यहाँ बीच में रख लेता हूँ। ओके, और इसे मूव करते हैं इधर, और मैं यहाँ से आईकेस और जॉइंट का जो मास्क है उसे ऑफ कर देता हूँ, ताकि जब मैं सिलेक्शन करूँ तो सिर्फ मेरा नर्व कर्व यहाँ पे सिलेक्ट हो। सो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वर्टेक्स ले रहा हूँ एंड इसे हम बेसिक शेप कर लेंगे। सो मैं इसे बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ एंड इसे मैं इधर रख रहा हूँ। सो यहाँ पे एक बेसिक सा कंट्रोल मैंने क्रिएट कर लिया है, एंड वापस एक बार मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ एंड यहाँ से जॉइंट एंड आईकेस के मास्क को, वैसे तो हमें आईकेस के मास्क को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक कंट्रोल कर्व क्रिएट कर लिया। इस कंट्रोल कर्व को हम नाम दे देंगे, ये रहेगा हमारा फुट अंडरस्कोर सीटीएल। ओके, फुट कंट्रोल। अब सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे इसको फ्रीज कर लेना होगा ताकि ये सारी वैल्यूज यहाँ पे जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ चैनल पे, फ्रीज में आ जाते हैं एंड फ्रीज ऑल कर देंगे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे फ्रीज हो गए चैनल्स हमारे। एंड देन सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्रिएशन हिस्ट्री क्रिएट हुई है जब हमने इस लव कर्व को क्रिएट किया, सो हमें इस हिस्ट्री को भी डिलीट कर देना होगा, तो एडिट में आएंगे, डिलीट बाय टाइप कर देंगे एंड इसका जो हिस्ट्री है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ कस्टम एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्विकली एडिट में आ जाता हूँ यहाँ पे एंड ऐड एट्रीब्यूट कर लेंगे। अब जो हमारे मेन चैनल्स हैं ना, उस चैनल से जो हम कस्टम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो एट्रीब्यूट डिफरेंट होने चाहिए, तो मैं पहले तो यहाँ पे एक सेपरेटर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 अंडरस्कोर्स दे रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इसको हम डिस्प्लेबल रखेंगे, केबल नहीं रखेंगे, ताकि वो लॉक रहे और उस पर किसी भी तरह का हम कीइंग ना कर सके। ओके, सो ये हमारा सेपरेटर हो गया और यहाँ पे मैंने 10 अंडरस्कोर दे दिया। अब मुझे एक एट्रीब्यूट चाहिए हील के कंट्रोल के लिए, तो मैं यहाँ पे हील रोल का एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूँ, मेक श्योर कि ये फ्लोट है एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे सेट नहीं करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। देन सेकेंड लगेगा हमारे बॉल रोल के लिए, सो इसे भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड कर देता हूँ। देन तीसरा लगेगा हमारे टो रोल के लिए, सो इसे भी हम ऐड कर देंगे। एक और लगेगा, वो रहेगा हिल साइड, ओके, जो साइड टू साइड मोशन आएगा हिल का उसके लिए। एंड एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वो रहेगा टो साइड, ओके, और इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए, एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने के बाद है ना, मैं अब यहाँ पे देता हूँ, मेरे जो एट्रीब्यूट्स है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने टाइप किया एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे हमारे जो ट्रांसलेट रोटेट एंड स्केल के एट्रीब्यूट्स है उन्हें भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे विदाउट स्पेस दिख रहे हैं, एक्स कैपिटल एंड ट्रांसलेट लिखा हुआ।
तो इसका रीज़न है मैंने यहाँ पे एडिट में आके चैनल के जो नेम्स हैं उन्हें लॉन्ग नेम के हिसाब से सेव कर लिया, नाइस नेम्स के हिसाब से नहीं। अगर आप यहाँ पे नाइस नेम्स करते हो तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब मैं एडवांस रिग में जाऊँगा और अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट क्रिएट लिखना है तो मुझे एग्जैक्टली उसका जो नाम हमने एट्रीब्यूट में क्रिएट किया है या फिर जो कुछ भी यहाँ पे नाम इस एट्रीब्यूट का है वो एग्जैक्ट यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो ऐसे सिचुएशन में अगर यहाँ पे नाइस नेम रहता है और हम अगर उस नाम के हिसाब से हम वहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और वो माया फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली कौन से एट्रीब्यूट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कौन से एट्रीब्यूट पे हम स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं। सो ऐसे सिचुएशंस में हमें एग्जैक्ट नाम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें चेंज करके मैंने यहाँ से लॉन्ग नेम करके सेव रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें इन एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करना होगा इन जॉइंट्स के साथ। सो क्विकली हम विंडोज़ में आ जाएंगे, विंडोज़ में आके जनरल एडिटर्स में आ जाएंगे और यहाँ से कनेक्शन एडिटर में आ जाएंगे। कनेक्शन एडिटर ओपन होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो भी हमारा ड्राइवर रहेगा वो हमें लोड कर लेना है और जिस जॉइंट को हमें एज अ ड्रिवन रखना है, जिस जॉइंट पे हमें कनेक्शंस देने हैं उसे हमें राइट साइड में अप्लाई करना होगा। सो हमने यहाँ पे दोनों साइड में इसे लोड कर लिया है। एंड यहाँ पे हिल का अगर हम रोटेशन देखते हैं तो हिल का जो रोल है वो हमारा रोटेट जी है और हिल का जो साइड है वो रोटेट वाई है। सो मैं यहाँ पे हिल रोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रोटेट को ओपन कर लेता हूँ एंड रोटेट जी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे जॉइंट पे देखते हो तो हमें येलो कलर दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इनकमिंग कनेक्शन है। ओके, और हिल साइड के लिए हमें रोटेट वाई को कनेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों को कनेक्ट कर लिया। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो मोशन क्रिएट करते हैं हम ट्विस्टिंग के लिए हल्का, तो वो भी हिल से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो सेकंड जॉइंट है वो है हमारा टो जॉइंट और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड टो रोल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। टो रोल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे इस जॉइंट को लोड करना होगा पहले, तो इसे हमने यहाँ पे रिलोड राइट कर लिया और यहाँ पे ऑब्वियसली सेम रोटेट जी हमें कनेक्ट करना है एंड टो साइड में हमें रोटेट वाई को कनेक्ट कर देना है। और लास्ट जो जॉइंट है वो रहेगा हमारा बॉल जॉइंट और उसको भी हम यहाँ पे लोड कर लेंगे और बॉल रोल को सिलेक्ट करेंगे एंड रोटेट जी में इसे भी कनेक्ट कर देंगे। अब इसे क्लोज करते हैं एंड इन एट्रीब्यूट्स को हम चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा हिल रोल जो यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, बॉल रोल, उसके बाद ये रहा हमारा टू रोल का जॉइंट और जब हम वॉक साइकिल करते हैं तो ये सारे हमें काम में आते हैं। ओके, सो ये हमारा हिल टो साइड। अब यहाँ पे हमने इन्हें क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इन एट्रीब्यूट्स में स्केल एंड विजिबिलिटी का हमें कोई काम नहीं है, हम यहाँ से इन्हें लो पैन ऐड कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब एनिमेटर इन एट्रीब्यूट्स को ज़ीरो करने जाता है तो वो स्केल के साथ उसे ज़ीरो कर देता है। ओके, और जब स्केल के साथ उसे ज़ीरो कर देंगे तो वो कंट्रोल ऑब्जेक्ट ही वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि स्केल का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो वन होता है। एंड जब हम एक लार्जर स्केल पर काम करते हैं, जब हम एक लार्जर सेटअप पे काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में माइट बी पॉसिबल कि हमारा जो एंटायर रिग है वो रिग ही यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि अगर मेन जो हमारा ग्लोबल कंट्रोल है उसको अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो सारे के सारे जो हमारे कंट्रोल है उसके साथ हाइड हो सकते हैं, या फिर विजिबिलिटी को ज़ीरो कर दे तो उसकी वजह से सारे कंट्रोल्स यहाँ से गायब हो जाएंगे और फिर पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। सो ऐसे सिचुएशंस में बेटर है कि इन एट्रीब्यूट्स को आप लॉक एंड हाइड कर दो। ओके, सो इसको राइट क्लिक करेंगे एंड लॉक एंड हाइड इसको हम करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे सेट करनी है, जब भी मैं जॉइंट्स क्रिएट कर कर्व्स क्रिएट करता हूँ उन्हें कलर कोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे शेप नोड में आएंगे और ट्रांसलेट नोड में नहीं करना है, हमें शेप नोड में करना है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ पहले, अगर मैं इसको ड्राॅइंग ओवर राइड्स में आ जाता हूँ एंड इसको ओवर राइड कर लेता हूँ। ओके, तो इससे रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा वो सब कुछ ब्लू हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको इसके अंडर पैरेंट कर देता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये रिवर्स फुटलॉक भी यहाँ से ब्लू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हमें इसके अंडर रखना होगा ताकि हम इसको मूव कर सके। तो यहाँ से नहीं करना है, इसको बंद कर दो एंड यहाँ पे शेप नोड में आ जाओ। शेप नोड में आके भी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ड्राइंग ओवर राइड्स होते हैं एंड शेप में एक्चुअली अंडर कुछ कनेक्टेड नहीं होता है, उस वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिस्प्ले में आके शेप्स को ऑन कर लेता हूँ, आपको पता चलेगा इस शेप में टेक्निकली कुछ नहीं है, जो कुछ भी कनेक्टेड है वो सब कुछ ट्रांसलेट नोड में है। सो यहाँ पे हम अगर शेप को कलर करते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सेकेंडरी या फिर चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो
कनेक्ट नहीं होते या फिर वो कलर नहीं होते। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब इसका जो पिवोट है उसके पिवोट को ऑब्वियसली मुझे यहाँ से रोटेट नहीं करना है, एंकल से रोटेट करना है या एंकल से मूव करना है, तो मैं उसको डी प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, वी प्रेस करके मैं एंकल पे उसे सेट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये एंकल से प्रॉपरली रोटेट होगा। सो कुछ इस तरह से रिवर्स फुट लॉक हम क्रिएट करते हैं। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।